क्वेश्चन आवर में प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होता है कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिस्टर क्वेश्चन को टेबल पे ले करते हैं, अपना थोड़ा उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं और फिर एक सेकेंडरी क्वेश्चन मेंबर को पूछने दिया जाता है। तो आज मैंने अपना पहला क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी जी सरकार बैंक डिफॉल्टर्स की बात करती है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज जैम पड़ी है, धसी हुई है, एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये जो 500 भैया इसको ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये कौन है, इनके नाम मैंने पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, जो पार्लियामेंट्री हक है मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। तो इससे मुझे काफी चोट पड़ी और ये मेरे एमपी के होते हुए मेरे अधिकार पर चोट मारी गई है। मगर वो सवाल जो है, जो 500 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर चोर हैं, उनको सरकार बचा क्यों रही है, उनका नाम सरकार पार्लियामेंट में बोल क्यों नहीं पा रही है। देर इज ए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। दिस इज द राइट ऑफ एवरी सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन द मिनिस्टर रिस्पॉन्स एंड देन यू आर अलाउड टू आस्क अ सेकेंडरी क्वेश्चन एंड समटाइम्स यू अलाउड टू आस्क अनदर क्वेश्चन आफ्टर दैट। टुडे आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, द मिनिस्टर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी पीपल, वॉट आर द लार्जेस्ट 500 लार्जेस्ट डिफॉल्टर्स इन इंडिया। द मिनिस्टर डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन एंड आई वॉज क्वाइट हर्ट बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू प्रोटेक्ट माई राइट टू स्पीक एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू अलाउ मी टू आस्क ए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू आस्क ए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। दिस इज टेकिंग अवे माई राइट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and it is not fair, it is completely unfair. Now the question arises, why is the government so scared of naming those 500 willful defaulters? We know that the economy is not moving forward. 500 people have stolen Indian money, they are willful defaulters. Prime Minister has said he is going to take action against these people. Why are they not putting their names on the table? And I have been warning this country that the current situation of the banks, the current economic situation, coupled with coronavirus, is going to result in a disaster. And I keep repeating it. I am sorry to say that actions like this do not help. Thank you.